दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं हरियाणा के एक बड़े राजनीतिज्ञ जिनके नाम कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो शायद हरियाणा में किसी और राजनीतिज्ञ के नाम नहीं है। अब आप सोचेंगे कि कौन सा ऐसा राजनीतिज्ञ है कि जिसके नाम कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड हैं, और मैं जो बताने जा रहा हूं मेरी जानकारी के अनुसार 99.9 ये सारे रिकॉर्ड सत्य हैं और कुछ लोग जानते होंगे उनके बारे में और ज़्यादातर लोग शायद आज तक ना जानते हों। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता रहा हूं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम कई रिकॉर्ड बन चुके हैं, उनमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी हैं और एक और ऐसा रिकॉर्ड बनने जा रहा है जिसका उन्होंने दावा किया है हाल ही में पत्रकारों से बातचीत करते हुए। वो क्या दावा है उसका भी मैं खुलासा करूंगा। दोस्तों एक पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दावा किया है कि आज लगभग 90 साल की उम्र में इस समय वह बिल्कुल स्वस्थ हैं, और इसके साथ ही उन्होंने जो एक बड़ा दावा किया है वो ये है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं कि मैं 115 साल तक जीवित रहूंगा। 115 साल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जीवित रहने वाले हैं जो उन्होंने घोषणा की है। उसका मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो भी डालूं जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं 115 साल जीऊंगा। भगवान की कृपा है मुझ पे, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। मैं आज भी 93 के साल में एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं 115 साल तक जीऊंगा। तो ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि हरियाणा में कोई और हो तो हो, लेकिन राजनीतिज्ञों में किसी नेता ने ऐसा दावा आज तक नहीं किया और शायद इतनी उम्र तक कोई जीवित भी नहीं रहा जितने साल का चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जीवित रहने का दावा कर रहे हैं। फिर इसके आगे चलते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ऐसे शख्स हैं जो संभवतया हरियाणा की राजनीति में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले राजनेता हैं। फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आय से अधिक संपत्ति रखने और 3000 से ऊपर शिक्षकों की कथित रूप से अवैध भर्तियां करने के आरोप में 10 साल जेल में बिताए हैं। 2013 से 2021 तक वह जेल में रहे, उनको 10 साल की सजा हुई थी। तो यह भी शायद एक रिकॉर्ड है कि हरियाणा में किसी राजनीतिज्ञ ने
आय से अधिक संपत्ति रखने और शिक्षक घोटाले में भर्तियां करने में 10 साल की सजा हुई हो और काटी हो, ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम है। इससे आगे बढ़ते हैं, यहीं चौटाला जी के रिकॉर्ड खत्म नहीं होते, आगे बढ़ते हैं तो एक और रिकॉर्ड उनके नाम है, वो है कि 82 साल की उम्र में जेल में रहते हुए उन्होंने दसवीं क्लास की परीक्षा दी और पास हुए। मुझे नहीं लगता कि किसी आम आदमी ने तो इतनी उम्र से ज्यादा में परीक्षा दी होगी और पास हुए होंगे, लेकिन राजनीतिज्ञों में मुझे नहीं लगता कि किसी नेता ने 82 साल की उम्र में दसवीं की कक्षा पास की हो। फिर इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ओम प्रकाश चौटाला जी यही नहीं रुके, उन्होंने जेल में रहते ही हुए 86 साल की आयु में 12वीं क्लास की परीक्षा दी। ये सब मैं क्यों कह रहा हूं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पर बेशक कई आरोप लगे हैं और वो सब पर लगते हैं, कोई नेता ऐसा नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किस पे आरोप ना लगते हों, और आय से अधिक संपत्ति और अवैध ये वो सब चलता रहता है। ओम प्रकाश चौटाला मानते हैं कि उनके साथ जाती हुई उन्हें फंसाया गया और बदनीयति के तहत उनको जेल भेजा गया, लेकिन वो कोर्ट का फैसला था, उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसे जीवट वाले व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। हालांकि आडवाणी जी शायद 96 साल के हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 90 साल से ऊपर 93 या 96 इसी उम्र में गुजर गए थे, लेकिन आडवाणी जी अभी स्वस्थ हैं, जीवित हैं। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का यह दावा करना कि मैं आसानी से जाने वाला नहीं हूं और 115 साल जीऊंगा और इतनी उम्र शायद हरियाणा में किसी नेता की नहीं रही, और मैं तो ये कहूंगा कि पूरे देश में किसी नेता ने इस उम्र में जेल में रहते हुए 82 साल की उम्र में दसवीं की परीक्षा नहीं दी और उन्होंने परीक्षा दी और पास किया, 86 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा दी और लगभग 90 साल की उम्र में वो बिल्कुल कैमरे के सामने स्वस्थ दिखाई दे रहे थे, और 115 साल का ये दावा करना जो किसी भी आदमी के लिए अचंभित करने वाला है कि कौन कह सकता है कि भाई मैं तब तक नहीं मरूंगा, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसा जीवट व्यक्ति ही ऐसा दावा कर सकता है कि मृत्यु मेरे को 115 साल की उम्र तक छू भी नहीं सकती। तो दोस्तों, ऐसे हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जो हरियाणा की राजनीति में ही नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति में अनोखे नेता है, और कई मिसालें उन्होंने अपने जीवन में कायम की है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला
कितने जीवित वाले व्यक्ति हैं, 90 साल की उम्र में आज भी स्वस्थ हैं, लेकिन अब जिस तरीके से बीमार थे या स्वस्थ हुए हैं, क्या राजनीति में वो फिर सक्रिय होंगे या इन्हें लोगों को आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा चुनावों में अच्छी जीत दिलाने के लिए फिर जनता के सामने आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, या जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं काफ़ी समय से कि वो अपने कुनुआ को यानी अजय चौटाला और अभय चौटाला को एक साथ फिर लाना में कामयाब होंगे और इन्हें लोगों को नए सिरे से क्या ओम प्रकाश चौटाला परिवार को एक करके हरियाणा में बड़ी राजनीतिक शक्ति बनाने की पहल करेंगे। तो ये था मेरा दोस्तों आज का मुद्दा। देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं फिर कल एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।